आते हैं सर्वे, हाय 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 हाय। और ये देखिए पुराने मिस्त्री, और ये देखिए दोस्त एकदम गर्मा गर्म फल रहा है, सब्जी रेडी है। और इधर देखिए खाजा बन रहा है बैगन का एकदम गर्मा गर्म। और इधर देखिए राजू बाबू के साथ लोहिया कट रहा है एकदम शुद्ध कड़ुआ का तेल है, देखिए झांस लग रहा है हाथ में एकदम। और इधर देखिए भाजा रेडी है, आलू चिप्स रेडी है, इधर भाजा रेडी है, सब रेडी है, सब्जी वगैरह चावल वगैरह सब रेडी है। और इधर देखिए पुराने मिस्त्री लगे हुए हैं, पुराने मिस्त्री लगे हुए हैं यहाँ पर चावल बना रहे हैं और प्रसाद बना रहे हैं, सब कुछ रेडी है। पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ मान्यताओं के अनुसार। आपने देखा कि अभी चंदी पहले भगवान राम जब विजयोत्सव लौटे थे अयोध्या विजय प्राप्त करके, तो विजयोत्सव मनाए हम लोग, दीपोत्सव मनाए। अब उसके बाद देखिए अभी आज अनुकूप मना रहे हैं भगवान का, करने को तो 56 प्रकार का भोग लगता है, यहाँ 256 प्रकार का भोग लगा है और उसमें सब प्रकार के व्यंजन फल मिठाई
और जितना प्रकार के अन्न से बने हुए दूध सामग्री सब, और ये इसके एक मान्यता ही है कि आज के दिन ये अन्नकूट जो आप कहते हैं अन्नकूट, तो इसमें है कि लंबी आयु के लिए और आरोग्य प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में प्रसाद वहाँ समर्पित किया जाता है, और के दिन जो अन्नकूट प्रसाद लेते हैं उससे लंबी आयु होती है, आरोग्य प्राप्ति होती है। और खासकर इस प्राचीन मंदिर में जो एक परंपरा बरसों से चली आ रही है, समाज के विभिन्न वर्ग के सभी लोग आते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और ये सामाजिक समरसता सौहार्द, और यही लगता है आपने देखा कोई सभी वर्ग के लोग आपको आते हैं भगवान के चरणों में अपना श्रद्धा निवेदित करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज ये अन्नकूट का त्यौहार कटैया बाबा मंदिर में मनाया जा रहा है, साधु शरण सियाराम शरण जी के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो फतवा में ये एक यूनिक चीज है और भगवान का प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं दीर्घायु होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और आस्था का प्रतीक है। तो आप सभी को अन्नकूट की हार्दिक बधाई। बहुत पवित्र दिन है, हम लोग प्रसाद खाने के लिए आते हैं, हर साल बनाते हैं, वैसा तो जो आयोजन है मंदिर में उसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा लगा, जो भी आयोजन है बहुत अच्छा, और प्रत्येक साल की भांति इस साल भी अच्छी तरह से समायोजित किया गया है आयोजन, और बहुत सुंदर ढंग से हम लोग उसका सहयोग किया और कर रहे हैं, करते रहेंगे। आज के आयोजन के बारे में बताइए। दीपावली के बाद यहाँ कटैया स्थान में अन्नकूट का प्रोग्राम होता है, जिसमें कम से कम 200 प्रकार का व्यंजन भगवान के भोग लगाने के लिए यहाँ भोग लगता है, और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं और बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के यहाँ पूजा अर्चना होती है, और लोग प्रसाद खा करके यहाँ से जाते हैं। वो बहुत माने पुराना बात है, माने ऐतिहासिक बात है कि इस मंदिर में बहुत दिनों से ऐसे होते आ रहा है अन्नकूट का प्रसाद। यह अन्नकूट और भैया दूध है, जना कृष्ण भगवान लोगों की रक्षा के लिए जब पर्वत को उठाए थे, जब प्रलय हो रहा था, जब पर्वत को उठाए थे तो उसी के उत्सव में, जब रक्षा हुआ तो उसी के उत्सव में अन्नकूट और भैया दूध का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार भगवान को तरह तरह के नाना प्रकार के लोग भोग लगाते हैं और भोग लगा के अर्पण करते हैं। नाम बताइए। अशोक कुमार द्विवेदी, कटैया स्थान थातू। आज का प्रोग्राम यही है कि हर साल के भांति इस साल भी श्री हमारे राम जी का 256 प्रकार का भोग लगा, और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग प्रसाद का खाएंगे, प्रसाद भोग लगाएंगे और जाएंगे। नाम बताइए। जय श्री राम। अजय कुमार झा, कटैया घटरियापुर फतवा पटना। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।